sir. I thank Honorable Prime Minister. Thank you, Navanita Kishan ji. Now the next speaker is Ramnath Thakur. Ramnath Thakur. उपसभापति महोदय, आपने अल्पकालिक चर्चा में शामिल होने के लिए मुझे निमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब जानते हैं पहले कोरोना में जितने लोगों की मृत्यु हुई उसके प्रति हम मेरा दल श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता है। सभापति उपसभापति महोदय, कोरोना में तीन चार मुद्दे हैं जो बिहार में 9.2 करोड़ लोगों को टीका किया जा चुका है। ओमिक्रॉन जो बीमारी है इसके बारे में शोध यहाँ के डॉक्टरों को करना चाहिए और उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। जो मृतक कोरोना में मरे हैं वो बिहार सरकार 4-4 लाख रुपए मृतक के परिवारों को देने का काम किया है, जबकि दिल्ली सरकार 50,000 रुपया देने की सोच रही है। अन्य राज्य भी इस पर सोच रहे हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहिए कि डॉक्टरों की, नर्सों की और पैरामेडिकल के लोगों को अधिक से अधिक इसमें शामिल होना चाहिए। ऑक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए। बिहार जो 2 लाख प्रतिदिन टीकाकरण कर रहा है इसमें आगे लोगों को टीकाकरण में व्यस्त रहना चाहिए और डॉक्टरों की संख्या बढ़ानी चाहिए, नर्सों की संख्या बढ़ानी चाहिए, पैरामेडिकल कॉलेजों की पैरामेडिकल के कर्मचारियों को बढ़ाना चाहिए। हमारे यहाँ बिहार में एक 16 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, 11 निर्माणाधीन हैं। इसलिए इस बीमारी को इलाज के चलते लोगों को शिक्षण देना चाहिए, जागृत करना चाहिए और इससे कैसे हम निजात पावे पूरे सदस्यों को इस पर विचार करना चाहिए। केंद्र की सरकार इसमें आगे बढ़ के काम कर रही है, इसलिए इस आपकालीन चर्चा में सम्मिलित होने के लिए आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और शुभकामना व्यक्त करते हैं कि इस बीमारी को दूर भगाने के लिए हम सबको मिल करके इससे निजात दिलाने के लिए काम करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद रामनाथ ठाकुर जी। द नेक्स्ट स्पीकर इज प्रोफेसर मनोज कुमार झा। मनोज जी। जी।